दो लोग हैं, मान लीजिए एक इंसान जिसका ब्लड प्रेशर है 140/90, दूसरा इंसान जिसका ब्लड प्रेशर है 180/100, और तीसरा इंसान जिसका ब्लड प्रेशर है 220, 220 और 120, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ब्लड प्रेशर इसका है, ठीक है, और एक जिसका ब्लड प्रेशर थोड़ा कम है। तो यहाँ पर लेकिन इसमें ड्यूरेशन का फ़र्क है, जिसका ब्लड प्रेशर 220 है उसका ब्लड प्रेशर 10 मिनट बाद ठीक हो गया, 220 था 10 मिनट बाद ठीक हो गया, दूसरे का ब्लड प्रेशर जिसका 180 था उसका 1 घंटे बाद ठीक हो गया, लेकिन तीसरा पर्सन है जिसका 140 है वो कंटिन्यूसली एक हफ्ता ऐसे का ऐसा 140 रह रहा है, तो किस में सबसे ज़्यादा डैमेज होगा? डैमेज जिसकी बॉडी में सबसे ज़्यादा होगा वो होगा 140 वाले का, जिसका कंटिन्यूसली ब्लड प्रेशर हाई रह रहा है। यहाँ पर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब आप एक नॉर्मल इंसान को देखोगे, एक नॉर्मल इंसान जब दौड़ता है तो दौड़ते समय भागते समय उसका ब्लड प्रेशर 180-200 तक क्रॉस कर सकता है, लेकिन वो दौड़ सकता है, वो हेल्दी रहता है। अगर दौड़ने वाले, स्प्रिंट करने वाले, मैराथन रनर्स, जो एथलीट दौड़ने वाले, कुश्ती करने वाले, वो हेल्दी रहते हैं, वो फिट हैं, हमसे ज़्यादा फिट हैं, उनको बीमारियाँ नहीं है, उनको ब्लड प्रेशर नहीं है, उनका ब्लड प्रेशर उस समय 10 मिनट की कुश्ती में, 10 मिनट की स्प्रिंट में, 100 मीटर्स रेस में 180-190-220 तक पहुंच सकता है, लेकिन वो फिर जैसे ही रुकते हैं वापस आ जाता है। उनकी हार्ट को एक्लिमेटाइजेशन होता है, हार्ट रेट ब्लड प्रेशर बढ़ाना कम होना बढ़ाना। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर 140 है, लगातार है, कमी नहीं हो रहा, देन यू नीड मेडिकेशन। अगर आपका ब्लड प्रेशर 180 चला गया, 140 चला गया, 130 चला गया, 150 चला गया, 200 चला गया, फिर वापस आ गया, सो यू डोंट नीड मेडिकेशन, ऑल यू नीड इज रिलैक्सेशन, यू नीड डाइट, एक्सरसाइज, रेस्टिंग, मेडिटेशन, सो डैट ये वापस जल्दी आए। आई होप यू गेट द पॉइंट, राइट? सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू शुड गेट, ओके?